बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी ने अपने 195 लोकसभा कैंडिडेट की घोषणा कर दी है और कई नाम कटे हैं, कई नए नाम इसमें जुड़े हैं जिसमें झारखंड की 11 सीटें भी शामिल हैं। इन 11 सीटों में लोकसभा सीट जो है हजारीबाग और लोहरदगा, इन दो सीटों पर कैंडिडेट चेंज हुए हैं। हजारीबाग सीट से जयंत सिन्हा का टिकट कटा है और ऐसे भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह इशारा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अब वो सक्रिय चुनाव में नहीं रहेंगे, चुनावी राजनीति में नहीं रहेंगे। अब इसके बाद हजारीबाग के सदर विधायक मनीष जायसवाल को मौका दिया गया है और मनीष जायसवाल लोकसभा सीट हजारीबाग से अब बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। वहीं लोहरदगा सीट में इस बार समीर उराव को मौका दिया गया है और सुदर्शन भगत का पत्ता कटा है लोहरदगा सीट से, और गोड्डा से निशिकांत दुबे ही, दुमका से सुनील सोरेन, राजमहल से ताला मरांडी, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी ही हैं। रांची सीट जिस पर बहुत चर्चा हो रही थी कि इस बार कैंडिडेट यहां से बदल सकता है, वो कैंडिडेट नहीं बदला है, यानी संजय सेठ ही बीजेपी के उम्मीदवार इस सीट से रहेंगे। और लोहरदगा से समीर उरांव, खूंटी से अर्जुन मुंडा भी, कई केंद्रीय मंत्रियों को मौका मिला है उसमें अर्जुन मुंडा भी शामिल है जो खूंटी से फिर एक बार लोकसभा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। वहीं जमशेदपुर से भी कोई प्रत्याशी चेंज नहीं हुए, विद्युत वरण महतो को भी दोबारा मौका दिया गया है और गोड्डा से निशिकांत दुबे हैं, दुमका सुनील सोरेन और पलामू से भी बीडी राम को ही बीजेपी ने टिकट दिया है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन भी मौजूद हैं। रंजन जी, अगर इस 11 सीटों का आकलन करें, बीजेपी ने कोई बहुत ज्यादा फेरबदल इसमें नहीं की है, सिर्फ दो सीटों को छोड़ दे तो ये जो 11 सीटों पर बहुत संभल कर, बहुत मंथन के बाद जो फैसला लिया गया है, इसे किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इससे ये लगता है कि बीजेपी अपने ज्यादातर सांसदों के प्रदर्शन से जो है वो संतुष्ट है, क्योंकि ये जो 11 नाम आए हैं, जैसा कि आपने बताया कि सिर्फ दो लोकसभा क्षेत्रों में जो है वो उम्मीदवार बदले गए हैं और सुदर्शन भगत का टिकट कट गया है लोहरदगा से और जयंत सिन्हा का हजारीबाग से। हालांकि हजारीबाग में जयंत सिन्हा ने ये बातें आज जो है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कही थी कि वो जो है अब अपने कुछ जो व्यक्तिगत कार्य हैं जलवायु परिवर्तन को लेकर, उस पर वर्कआउट करना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, तो उन्हें जो मुख्य चुनावी दायित्व तो होता है उससे मुक्त किया जाए। हालांकि अब ये देखना है कि क्या यही वजह है जो उन्होंने लिखी है या कोई और वजह है, ये तो अभी बताना मुश्किल है। लेकिन वहाँ से मनीष जायसवाल जो कि हजारीबाग सदर के विधायक हैं, उनको जो है बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ये दो परिवर्तन हुए हैं झारखंड में, और इसके अलावा 9 जो है आपको वही कैंडिडेट दिख रहे हैं, राजमहल से ताला मरांडी, दुमका से सुनील सोरेन, लगातार जो है वो दुमका में अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं। लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो गोड्डा से निशिकांत दुबे का तो ऑलमोस्ट पहले से ही कंफर्म था कि उन्हें तो टिकट मिलेगा ही, क्योंकि अगर आप एक तरह से देखें तो जो झारखंड में जो एक विपक्ष की भूमिका होती है वो निशिकांत दुबे ने एक सांसद रहते हुए बखूबी जो है उन मुद्दों को उठाया है और लोगों के सामने लेकर वो आए हैं। इसके अलावा कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी भी ऑलमोस्ट कंफर्म ही थी कि वो कोडरमा से कैंडिडेट रहेंगी। रांची से संजय सेठ को लेकर कुछ सवालात जरूर थे, लेकिन जो उनका प्रदर्शन रहा है कुल मिलाकर, अगर आप संसद के अंदर कहिए, उनके अटेंडेंस को लेकर कहिए या कुछ काम है उसमें जो है उनका प्रदर्शन जो है वो ठीक रहा था, और मुझे लगता है कि इसलिए जो है उन्हें रिपीट किया गया। उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ बातें हो सकती थी, लेकिन संजय सेठ को यहाँ पर फिर से जो है उम्मीदवार बनाया है भाजपा ने, इसका मतलब है कि वो संजय सेठ के कार्यों से भी प्रसन्न है। इसके अलावा जमशेदपुर से भी ये तय था कि विद्युत वरण महतो ही जो है वो उम्मीदवार होंगे। जो एक जमशेदपुर और खूंटी को लेकर बात थी कि क्या अर्जुन मुंडा जमशेदपुर जा सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। खूंटी से ही अर्जुन मुंडा जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, उन्हें जो है फिर से उम्मीदवार बनाया गया है, और वहाँ जो चुनाव होगा वो भी देखना होगा। और फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट
कनेक्ट नहीं किया, दो सीटों को छोड़कर बीजेपी ने कोई ऐसा खतरा यू कहे मोल लेना नहीं चाहा बीजेपी ने। इस वक्त हमारे साथ बोकारो हमारे सहयोगी मदन है बोकारो से मौजूद, और विधानसभा से नीरज भी मौजूद है, साथ ही हमारे साथ मनीष भी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस मामले पर अपडेट के लिए। सबसे पहले रुख करते हैं मदन का। मदन, ये कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ सीटें हैं जिस पर बीजेपी फेरबदल कर सकती है, लेकिन सिर्फ फिलहाल जो 11 सीटों की घोषणा हुई है उनमें दो सीटों में ही ये बदलाव हुआ है। हजारीबाग से जयंत सिन्हा का टिकट कटा और मनीष जायसवाल को मिला, और लोहरदगा से सुदर्शन भगत का टिकट कटा समीर उनाव को मिला है। तो बहुत फूंक कर बीजेपी ने ये कदम उठाया है, हालांकि अभी 3 सीटें बाकी हैं और गठबंधन भी है, यहाँ जसू भी दावेदारी कर रही है। क्या माना जाए, अब किस तरह आगे बार्गेनिंग होगी इन 3 सीटों में? आजसू कितने सीट पर मजबूती के साथ दावेदारी करती हुई दिख रही है? बिल्कुल, देखिए झारखंड में जो उम्मीदें थी कि बीजेपी अधिक से अधिक चेहरों पर चेहरे बदलेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। पुराने चेहरों पर ज्यादा भरोसा दिखाया गया। अगर आप 11 सीटों में से देखें तो 3 सीटों पर जो है चेहरों में फेरबदल की गई है। अगर राजमहल की बात करें तो ताला मरांडी को मौका दिया गया, और फिर लोहरदगा में सुदर्शन भगत को बदलकर समीर उरांव को मौका दिया गया। दरअसल समीर उरांव का जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो इसी महीने खत्म हो रहा है, तो ऐसे में उन्हें फिर से एक नई जिम्मेदारी नई जगह पर दी गई है। और ये जानते हैं कि अनुसूचित जाति के जो है वो जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मोर्चा के, तो ऐसे में उन्हें जो है एक बड़ी जिम्मेदारी फिर से मिली है और अब लोकसभा के लिए उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है ऐसे में। और तीसरा अगर कहें तो हाल के ही दिनों में जो गीता कोरा ने बीजेपी का दामन थामा, तो उन्हें पश्चिमी सिंहभूम से अब उम्मीदवार बनाया गया है, तो ऐसे में एक बड़ा फेर बदल जो है वो हजारीबाग में देखने को मिला है। हजारीबाग में जो सदर विधायक है मनीष जायसवाल, उन्हें उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो रायशुमारी हुए थे उसमें सबसे ऊपर नाम जो है वो मनीष जायसवाल के गए थे, ऐसे में पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और फिर उन्हें उम्मीदवार बनाया। तो ये हम कह सकते हैं कि बीजेपी के 11 सीटों के जो उम्मीदवार के नाम है उसको तो घोषित कर दिए गए, लेकिन 2 सीटों पर भी जो महत्वपूर्ण सीट है चतरा और धनबाद, इस पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि ये दोनों सीट जो है सामान्य हैं, ऐसे में यहाँ किसकी उम्मीदवारी होती है, क्योंकि मदन एक और चीज समझना चाहेंगे, कई तरह के कयास और कई तरह के सियासी शगुफे भी छोड़े जा रहे थे। क्या धनबाद में पूर्णिमा नीरज सिंह कांग्रेस छोड़ सकती हैं? कई बार ये दबी जुबान से बातें सामने आई है, जिस तरह पीएम के कार्यक्रम में पूर्णिमा नीरज सिंह नजर आई, उनके जो सोशल मीडिया पर पोस्ट रहते हैं कुछ इशारा देते हुए नजर आते हैं, तो ऐसे में क्या पार्टी मंथन कर रही है कि ये रास्ता खुला रखा गया है? चतरा में भी सुनील सिंह से वहां के जनता नापसंद कर रही है, पिछले चुनाव में भी ये लगा था कि उनके टिकट कटेंगे, लेकिन फिर भी जनता ने उन्हें मौका दिया, तो क्या इस बार पार्टी विचार कर रही है इन दोनों सीटों पर चेहरे बदले जाएंगे, या फिर धनबाद में भी राज सिन्हा को मौका दिया जा सकता है विधायकी से अब सांसदी के लिए? तो तय है कि दोनों जगहों पर चेहरे बदले जा सकते हैं, लगभग ये माना जा रहा है। खास करके धनबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ ये माना जा रहा है कि पीएन सिंह काफी उम्र दराज हो गए हैं, उनके उम्र जो है काफी हो गए हैं, इस वजह से वहां से जो है दूसरे उम्मीदवार को मौका मिल सकता है। लेकिन चतरा में सुनील सिंह के खिलाफ जो है माहौल पिछले चुनाव में भी देखने को मिला था, हालांकि उन्होंने उस माहौल में भी जीत अपने नाम किया। ये कहा जा रहा था कि मोदी की लहर है और मोदी की लहर में जिसे भी टिकट मिल जाए उसका बेड़ा पार हो जाता है, तो ऐसे में सुनील सिंह वहां जीत हासिल किए थे। लेकिन ये इस बार की रायशुमारी में ये जरूर कहा जा रहा है कि सुनील सिंह को उतना अच्छा परफॉर्मर के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, तो ऐसे में नए दावेदार भी कई हैं, अब देखना होगा कि पार्टी किसे उम्मीदवार बनाती है। लेकिन अब धनबाद की अगर हम बात करें तो वहां 2 परिवार के लोग जो है वो आमने सामने हो जाएंगे। अगर रागिनी सिंह की बात और नीरज पूर्णिमा सिंह की बात करें तो रागिनी सिंह के द्वारा भी पूरी ताकत लगाई गई थी कल प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में। अगर आप वहां के बागमारा विधायक को देखें ढुल्लू महतो, वो भी हजारों की तादाद में अपने समर्थकों को लेकर पहुंचे थे, और दावेदारी देखिए वहां जो बागमारा में ढुल्लू महतो के समर्थक थे वो ये नारा लगा रहे थे कि मेरा सांसद कैसा हो, ढुल्लू महतो जैसा हो। अगर आप रागिनी सिंह के समर्थकों को देखें तो वो कह रहे थे कि हमारा सांसद कैसा हो, रागिनी सिंह जैसा हो। तो कल तमाम
तमाम जो दावेदार हैं वो अपने अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे और उनके समर्थक जो है उनके नाम के जयकारे लगा रहे थे। हालांकि मोदी जी तक किन की बात पहुंची है ये तो किसी को पता नहीं, लेकिन जो रायशुमारी हुए हैं और जो नाम है उसमें ये जरूर है कि नीरज पूर्णिमा के नाम ये अब सुर्खियों में जरूर बने रहे, क्योंकि हाल के दिनों में जो कांग्रेस के विधायकों की नाराजगी दिखी और जिस तरह से वो पीएम के कार्यक्रम में शामिल हुए और वो उनके तारीफ कर रहे थे विधानसभा में, जब हम उनसे बातचीत किया तो वो कह रहे थे कि जब कोई विकास का काम हो तो इसमें इफ वट नहीं निकालने चाहिए, यानी कि एक तरह से मोदी के नाम पर जो है उनका कोई विरोध नहीं था, मोदी के कार्यक्रम में शामिल होकर के वो उनके जो काम है उसके एक तरह से गुणगान कर रहे थे। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि नीरजपुर राजनीति में हर कुछ संभव होता है। अगर देखे गीता कोरा की बात करें तो गीता कोरा कई महीनों से नाराज चल रही थी, कांग्रेस के कई कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई और उसके बाद अचानक से एक कार्यक्रम में शामिल होती हैं जब कांग्रेस के न्याय यात्रा की तैयारी चलती है, उस कार्यक्रम में उन्हें लाया जाता है, मंच पे बिठाया जाता है और फिर मीडिया के सामने वो खुलकर कहती है कि हमें टिकट मिले या ना मिले मैं एक कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ और कांग्रेस की कार्यकर्ता ही रहूंगी। तो ऐसे में जब मौका मिला तो उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और आज उनके नाम का जो है घोषणा भी किया गया। शामिल हुई मदन लौटेंगे, मदन आपके पास विधानसभा से नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज, अब जो ये 11 लिस्ट बीजेपी ने जारी की है 11 लोकसभा सीटों की झारखंड से, ऐसे में अब जो पार्टियां हैं विपक्षी पार्टियां या महागठबंधन की पार्टियां उनके लिए कितनी चुनौती होगी, क्योंकि कई इसमें सिटिंग सांसद हैं जिनके जीत के पूरे चांसेस हैं, ऐसे में अब उनके मुकाबले पे अपने उम्मीदवारों की घोषणा करना और फिर उसी तरीके से सीटों का बंटवारा करना, ये महागठबंधन के लिए कितनी मुश्किल होगी? देखिए बहुत मुश्किल हो सकता है और जो उम्मीद थी वही उम्मीद के मुताबिक जो है भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और ऐसे में अब इंतजार है गठबंधन दलों का कि वो क्या कुछ करते हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं एक चुनौती भी होगा उनके लिए वो क्या कुछ करते हैं, और क्योंकि बहुत सारे ऐसे जैसे आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे सिटिंग विधायक हैं जिसको कहीं ना कहीं टैकल करना बड़ा मुश्किल होगा। हालांकि कुछ नए चेहरे भी हैं और जो नए चेहरों का ऐड किया गया है वो इसी के लिए ऐड किया गया है क्योंकि उनका काम था। तो देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ले जो कि झारखंड की जो सबसे बड़ी पार्टी है, और आरजेडी की बात कर लो या फिर कांग्रेस की बात कर लो, तो इन तीन दलों की जो अगर प्रमुखता से बात की जाए तो इनके लिए काफी चुनौती भरा जो है ये रहने वाला है लोकसभा चुनाव। हालांकि अभी जो है 3 सीटों की घोषणा होनी बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो ये 11 सीट की घोषणा की है उसके बाद जो है इनके लिए जो है कड़ी चुनौती हो गई है। और ये भी देखने वाली बात कि जो 11 प्रत्याशी है उनके विरुद्ध में कांग्रेस और आरजेडी और जेएमएम किनको खड़ा करती है, लेकिन उससे पहले सीटों का बंटवारा जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन 14 लोकसभा सीटों में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और जो अन्य जो लेफ्ट के पार्टी है, उन्हें कितना अब महागठबंधन के सामने है। गीता कोड़ा जो चाईबासा सीट से सांसद थी कांग्रेस की, अब वो बीजेपी के पास है, तो एक सीट तो ऐसे ही महागठबंधन ने गवा दी, अब एक सीट ही उनके पास रह गई है जो विनिंग सीट है, तो ऐसे में उनके लिए बहुत मुश्किल भरा वक्त होगा कि वो अपने कैंडिडेट का सही तरीके से चयन करें जो बीजेपी के कैंडिडेट को टक्कर दे। आप बिल्कुल कह सकते हैं क्योंकि 2 जो सांसद थे गठबंधन के, एक राजमहल से विजय हांसदा थे और एक सिंहभूम से जो कि चाईबासा कह सकते हैं गीता कोड़ा थी, और जो कि अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए और अब जो है एक ही सांसद बचे हुए हैं जो राजमहल से हैं विजय हांसदा, और बहुत सारे बातें हैं जो गीता कोड़ा से संबंधित है। और 11 जो सीट अनाउंस हुए हैं और सीट के प्रत्याशी जो है वो अनाउंस हुए हैं उसको लेकर हम हमारे साथ जो सहयोगी हैं उदय उनसे बात करते हैं। बहुत 2-4 दिन से जो है विधानसभा भी ये देख रहे हैं, बहुत सारे जो यहाँ पे विधायक हैं उनसे भी बातचीत हुई है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे कुछ नाम हैं जिसका हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हालांकि बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे। गीता कोड़ा का नाम जो है बिल्कुल गीता कोड़ा को लाया ही गया था इसलिए कि उन्हें बीजेपी टिकट देती और उनके नाम का अनाउंसमेंट हो गया
समीर उरांव उनके राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा था तो उन्हें अब लोकसभा दे दिया गया है लोहरदगा से। और चूंकि सुदर्शन भगत उनके बारे कहा जा रहा था कि काफी उम्र हो गई है, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, तो उन्हें एक तरह से रिटायरमेंट दे दिया गया है, उनकी जगह समीर उरांव चुनाव लड़ेंगे। और हजारीबाग में बड़ा बदलाव हुआ है, मनीष जायसवाल जी को टिकट दे दिया गया है, कुछ देर पहले ही जयंत सिन्हा जी का ट्वीट आया था। हाँ, 3 सीटें अभी बची हुई है, धनबाद सीट बची हुई है, गिरिडीह सीट बची हुई है। गिरिडीह सीट को लेकर अभी ये पेच फंसा हुआ है कि आजसू ने शायद उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई है और इस वजह से वहां बीजेपी हो सकता है किसी अपने कैंडिडेट को दे। अब धनबाद का विकल्प बचा है तो वहां पीएन सिंह, वो भी बुजुर्ग हो चुके हैं और उनकी भी उम्र हो चुकी है, तो ऐसे में किसी नए प्रत्याशी की तलाश है बीजेपी को। और इसके साथ साथ एक चतरा सीट पे सुनील सिंह जो सांसद है, इससे पहले भी उन्हें लेकर काफी नेगेटिव रिव्यू आया था सर्वे के जो नतीजे थे, तो इस बार उन्हें होल्ड पे डाल दिया गया है। हो सकता है वहां अभी कई दावेदार हैं चतरा में, और किसे टिकट मिलता है ये देखने वाली बात होगी, किसी नए चेहरे को मौका देने की उम्मीद है। तो कहा जा सकता है कि 3 सीटें छोड़कर बीजेपी ने पूरी तरह से तस्वीर स्पष्ट कर दी है। अन्नपूर्णा देवी चूंकि वहां कोई दूसरा चेहरा भी नहीं था और केंद्रीय मंत्री है, महिला चेहरा है, उसी तरह से अर्जुन मुंडा के साथ है, वो एक आदिवासी चेहरा है, केंद्रीय मंत्री है, तो उन्हें रिपीट किया गया है। विद्युत बरन महतो जमशेदपुर से लड़ेंगे, उन्हें रिपीट किया गया है क्योंकि देखा जाए तो अगर ओबीसी समुदाय, महतो समुदाय की एक बड़ी भागीदारी है और वो एकमात्र चेहरा है विद्युत बरन महतो, तो उनका भी चेहरा बदलने का जोखिम नहीं लिया गया है। कुणाल सारंगी से लेकर कई नाम वहां भी मौजूद थे लेकिन विद्युत बरन महतो को भी टिकट दे दिया गया है। बीडी राम चूंकि वो सुरक्षित सीट है, एससी रिजर्व है, और ऐसे में बीडी राम एक्स डीजीपी रह चुके हैं, 5 साल सांसद भी रहे और कोई बहुत ज्यादा नाराजगी उनके खिलाफ नहीं थी, बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा भी तैयार नहीं था जो एससी सीट पर मुकाबला दे सके, तो ऐसे में उन्हें रिपीट किया गया है। अब बची हुई है चतरा, और इन सीटों पर देखने वाली बात होगी कि चतरा धनबाद क्या समीकरण सामने आते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। नीरज, एक चीज समझना चाहेंगे, उदय से ये समझने की कोशिश कीजिए, जो हजारीबाग की सीट थी, जयंत सिन्हा का ट्वीट आना और फिर आज ये पता चलना कि उनका टिकट कट गया है, और उसमें सबसे प्रबल दावेदार ये हम आकलन भी कर रहे थे कि मनीष जायसवाल होंगे और काफी जनाधार है उनका, लोगों के बीच वो रहते हैं और यही बीजेपी चाहती है, तो एक मजबूत कैंडिडेट अब अपोजिशन को मिलेगा मनीष जायसवाल के रूप में। देखिए, अभी जो जयंत सिन्हा है उनका जो है नाम हट गया है, उनके जगह पे मनीष जायसवाल को जो है नया चेहरा बनाया गया है। और एक बातें जो निकल कर सामने आ रही थी कि मनीष जायसवाल का एक बड़ा जनधार है, बहुत सपोर्ट है, कहीं ना कहीं ये वजह मानते हैं जयंत सिन्हा का नाम हटने का। बिल्कुल, देखिए मनीष जायसवाल पार्टी लगातार सर्वे कर रही थी और ये सर्वे पिछले 1.5-2 सालों से चल रहा था, जयंत सिन्हा को लेकर थोड़ी ये नेगेटिव सर्वे भी आया था कि बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, कार्यकर्ता बहुत आसानी से वो उन तक पहुंच नहीं पाते हैं, ये तमाम चीजें थी। और कई नाम आ रहे थे, मनीष जायसवाल जी का नाम आ रहा था, जेपी भाई पटेल का नाम आ रहा था, लेकिन जेपी भाई पटेल चूंकि इससे पहले जेएमएम में थे और हाल ही में बीजेपी में आए हैं और उनका उतना बड़ा कद नहीं था, और चूंकि मनीष जायसवाल एक इस तरह से एक सहज सरल चेहरा हो गए हैं कि विधायक के तौर पर उनकी पहुंच आम लोगों तक आसानी से है, आम लोग आसानी से उन तक पहुंच सकते हैं, तो जो सर्वे किए गए थे उस पे जो वर्तमान सांसद हैं उनके लिए नेगेटिव क्या क्या है इसका भी एक कॉलम था, और किसे आप स्वीकार सकते हैं या कौन मजबूत चेहरा है इसे लेकर भी एक कॉलम था, तो उसमें मनीष जायसवाल जी को सबसे ज्यादा लोग पसंद कर रहे थे जो अंदरूनी सर्वे पार्टी की तरफ से कराया गया था। और शायद यही वजह कही जा सकती है कि जयंत सिन्हा जी को पता था कि उनका टिकट कटने वाला है, तो उन्होंने कुछ घंटे पहले ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि वो चुनावी राजनीति से संन्यास चाहते हैं, यानी उन्होंने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है चूंकि वो कद्दावर नेता रहे हैं और आर्थिक विशेषज्ञ भी माने जाते हैं, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, तो ऐसे में हो सकता है उन्हें राज्यसभा से फिर आगे ले जाया जाए, उच्च सदन ले जाया जाए, या फिर कहीं पार्टी में उन्हें कोई बड़ी भूमिका दी जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो पार्टी छोड़ेंगे, वो पार्टी में बने रहेंगे, वो बस चुनावी राजनीति से दूर होना चाह रहे। चलिए लौटेंगे, नीरज लौटेंगे आप लोगों के पास, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष भी जुड़े हुए। मनीष, एक अच्छा नाम जिसे देखकर सभी को संतोष हुआ क्योंकि सुषमा स्वराज का काफी योगदान रहा है पार्टी में, उनकी बेटी को नई दिल्ली से टिकट दिया गया है, ये एक अच्छी पहल बीजेपी की। देखिए, बीजेपी ने जो पहली लिस्ट जारी की है इसमें सबको साधने की कोशिश की गई है, और ये देखिए चुनावी लिस्ट है, किसी से छिपाने, सांसदों की लिस्ट जारी करने के बाद ये बीजेपी ने दिखाने की कोशिश की है कि हम हर वर्ग और हर जाति के साथ हैं। अब देखिए इसको समझिए, या 195 कैंडिडेट्स के नाम उन्होंने जारी किए जिसमें 28 महिला कैंडिडेट्स को टिकट दिया गया। अब ये समझिए कि इसमें महिला कैंडिडेट्स को भी साधने की कोशिश की गई और ये बताने की कोशिश की गई कि
जो महिलाओं के साथ बीजेपी कितनी है और महिलाओं को कितना सशक्त बनाने की कोशिश की जा रही है, उसमें 47 कैंडिडेट्स की उम्र 50 साल से कम है, यानी कि युवा कैंडिडेट्स को साधने की कोशिश की गई और ये दिखाने की कोशिश की गई बीजेपी के द्वारा कि देखिए हम युवाओं के साथ कितना है और युवा जो है इससे और हमारी ओर आएंगे और आकर्षित होंगे। देखिए टिकट का बंटवारा ऐसे ही नहीं किया गया, अब इसमें और समझने वाली बात है कि एससी कैटेगरी के 27, एसटी कैटेगरी के 18 और ओबीसी कैटेगरी के 57 कैंडिडेट्स को टिकट दिया गया है। अब देखिए इन सबके बीच में बात कर लें कि ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सबको साधा गया पहले लिस्ट में। 195 कैंडिडेट्स के नाम बीजेपी ने जारी किए हैं जिसमें से सभी वर्गों को साध लिया गया है। जिस तरह से जब लोकसभा चलती है और उसमें बार बार पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम हर वर्ग हर जाति के साथ हैं, तो इसमें ये दिखाने की कोशिश की गई। अब आपके सवाल पर आते हैं कि दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में जिस तरह से सुषमा स्वराज की लड़की को टिकट दिया गया ये एक चौंकाने वाली बात है। देखिए मीनाक्षी लेखी लड़ती थी लेकिन अब वहाँ पर सुषमा स्वराज की जो लड़की हैं वो चुनाव लड़ेंगी। दिल्ली में बदलाव किए गए हैं, कई ऐसे राज्यों में बदलाव किए गए हैं, यूपी के अंदर कई ऐसे संसदीय क्षेत्र हैं जहाँ पर बदलाव किए गए हैं, तो बदलाव भी किए गए हैं। झारखंड में उतना बदलाव देखने को नहीं मिला। दो कैंडिडेट्स में बात करें तो दो नामों के बदलाव किए गए, जहां पर हजारीबाग से मनीष जायसवाल को नाम दिया टिकट दिया गया, समीर उराव को टिकट दिया गया लोहरदगा से। इससे पहले जो समीर उराव की जगह सुदर्शन भगत थे और जयंत सिन्हा जो है मनीष जायसवाल के उस पर थे। अब यहाँ पर भी एक देखिए बड़ा खेल है क्योंकि जयंत सिन्हा को पहले ही लग गया था कि उनका टिकट कटने वाला है क्योंकि मनीष जायसवाल जिस तरह से अपने क्षेत्र में काम कर रहे थे और लगातार मीटिंग्स दिल्ली में हो रही थी और वो जा रहे थे, उसके बाद तो ये साफ हो गया था मनीष जायसवाल का नाम आना लगभग तय है। और यहाँ पर ये भी था कि मनीष जायसवाल नहीं तो और कोई भी नहीं था हजारीबाग में, क्योंकि एक बड़ा चेहरा है, एक बड़ा नाम है, जनता के बीच में पॉपुलर है, तो इसलिए मनीष जायसवाल का नाम बीजेपी के लिए भी था कि भाई मनीष जायसवाल को टिकट देना है। और हम और आप चर्चा भी कर रहे थे, अभी कुछ घंटों पहले ही चर्चा कर रहे थे कि आखिर किसको टिकट दिया जाएगा, तो और मनीष जायसवाल के नाम पर कहीं ना कहीं न्यूज़ बाय स्कोप ने भी मुहर लगाई थी कि मनीष जायसवाल को टिकट दिया जाएगा। ये जो हम लोग ने मुहर लगाई थी उस मुहर पर जो है अभी जिस तरह से बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस लिस्ट में मनीष जायसवाल का नाम आया तो कहीं ना कहीं उस पर बीजेपी ने भी मुहर लगा दी है। तो देखिए यहाँ पर दो तस्वीर है, एक तस्वीर ये है कि बीजेपी ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की, बीजेपी ने ये कोशिश की है कि अब जो जनता के बीच में मैसेज जाएगा वो मैसेज ये जाए कि हमने महिलाओं को टिकट दिया, हमने एसटी एससी को टिकट दिया, हमने एससी को टिकट दिया, हमने युवाओं को टिकट दिया, हमने ओबीसी को टिकट दिया, जिसको लेकर राहुल गांधी लगातार हमलावर रहते हैं बीजेपी के ऊपर कि ये ओबीसी हो, एससी एसटी हो, इनको ये कम टिकट देते हैं। लेकिन बीजेपी संतुलन के साथ इस लिस्ट को जारी किया गया है और दूसरी लिस्ट भी अभी बाकी है और देखना कि उसमें किन किन नए चेहरों को जगह मिलती है। चलिए यहाँ पर रोकेंगे मनीष जी, हमारे साथ इस वक्त हमारे पास वो तस्वीरें भी हैं जब हजारीबाग में लोग जश्न मना रहे हैं, समर्थक जश्न मना रहे हैं और मनीष जायसवाल के बेटे करण जायसवाल भी अपना रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी को बहुत मेहनत का फल मिला है, बहुत काम किए हैं, प्रेजेंट रहते हैं और बहुत दिन बहुत एफर्ट दिए हैं, तो पार्टी रिवॉर्ड दिए, बहुत अच्छा लग रहा है, सब सबको बहुत खुश है। जो काम किया उसको वोट देना जनता ही, बीजेपी बिल्कुल। देखिए ये तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व तो टिकट का फैसला करती है और उसमें मनीष जायसवाल जी को हजारीबाग के लोकसभा के लिए उचित समझा गया तो शीर्ष नेतृत्व ने टिकट दिया है उन्हें। कितना बल मिलेगा भाजपा? मैं हजारीबाग है, यहाँ पर पुराना रिकॉर्ड भी टूटेगा, यहाँ नया इतिहास रचेगा। आज सुबह में जो खलबली मचा उसमें क्या कहेंगे? क्या खलबली मचा? कहा कि चुनावी कार्य से दूर रहेगा। देखिए ये तो शीर्ष नेतृत्व का फैसला है और केंद्रीय नेतृत्व इसका फैसला करती है और उन्होंने जो ऊपर का निर्णय है उसको सभी कार्यकर्ताओं को मानना पड़ता है और उसी तहत में वो ऐसा अपना ट्वीट किए हैं। पिछला बार की तरह इस बार उससे अधिक वोट से हम लोग जीतेंगे, इस बार हम लोग 5 लाख से अधिक वोट से जीतेंगे।
और 400 के पार करेंगे हम लोग विधानसभा में, पांचों विधानसभा में जीतेंगे और 5 लाख से अधिक वोटों से हम लोग जीतेंगे। भावना अभी व्यक्त कर नहीं पा रहे हैं, इतना खुशी है। सच में जो जनता के लिए जो सेवा होता है उसको जो प्रतीकात्मक रूप से सदर विधायक मनीष जायसवाल ने जो नया आयाम दिया उसको बीजेपी ने सहस्र स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी ने एक जन नेता को आगे बढ़ा। तो ये देखा आपने हजारीबाग में समर्थकों का उत्साह मनीष जायसवाल को टिकट मिलने के बाद, और उनके परिवार में भी खुशी का माहौल, लेकिन उनके पिता भावुक होते नजर आए जैसे ही उन्होंने सुना कि उनके बेटे मनीष जायसवाल को लोकसभा का टिकट मिला है। उनकी पत्नी, उनकी मां सभी भावुक नजर आए। मेहनत किए, उनका मेहनत रंग लाया। नहीं, वो जैसे काम करते रहे, हमेशा काम करते रहे और उसी आई एम श्योर वो इतना ही काम करते हैं, लोग उनको जरूर जिताएंगे। क्या माना जी, जितना सब काम किया उसी का रिजल्ट है? एकदम 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 और बेहतर देखने को मिलेगा जी, पहले से और बेहतर अब देखने को मिलेगा। हाँ, अपना 100% वो देंगे, कहीं वो कम नहीं रहते हैं। क्या बोले, अभी इसमें बोलने की बात नहीं है, इसमें बोलने की बात नहीं कि कितना खुश है। एक बाप बेटा का उन्नति में कितना खुश हो सकता है। बहुत मेहनत किए थे आखिर आपके बेटे यहाँ के विधायक, बहुत मेहनत किए, क्या उसी का परिणाम है ये? हाँ, वो तो है ही है। बहुत मेहनत दादू, बहुत मेहनत, खुशी 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 खुशी, ये कौन सा बात हुआ? इतना मेहनत किए, उनका मेहनत रंग लाया। तो ये तस्वीरें थी उनके परिवार की, जो इस खबर को सुनते ही भावुक हो गए। उनके पिता मनीष जायसवाल को टिकट मिलने की खुशी में, ये होता है किसी के भी साथ और किसी के भी परिवार में, जब कुछ अच्छा हो और घर का सदस्य बेहतर करे तो भावुक परिजन होते ही हैं। बहरहाल चर्चा कर रहे हैं हम इस लिस्ट के बारे में। हमारे साथ इस वक्त मदन भी बोकारो से जुड़े हुए हैं, स्टूडियो से हमारे साथ राकेश रंजन भी जुड़े हुए हैं। रंजन जी, बहुत ही संतुलित, बहुत ही सधी हुई लिस्ट इसे हम मान सकते हैं, ये लिस्ट अब कितनी चुनौती है महागठबंधन के लिए? देखिए, ये बड़ी चुनौती, और इनमें उन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की गई है जो विपक्ष की तरफ से उठाया जाता रहा है, या यूं कह लें कि राहुल गांधी की तरफ से उठाया जाता रहा है। सबसे ज्यादा अगर आजकल बात हो रही है तो वो पिछड़ी जाति की गणना को लेकर हो रही है, और बार बार ये सवाल उठाया जाता है कि पिछड़ी जाति का रिप्रेजेंटेशन जो है बीजेपी में कम होता है। इस बात को राहुल गांधी बार बार ये आरोप लगाते हैं, तो उसका भी जवाब जो है, आप जो बीजेपी ने ये लिस्ट जारी की है, जो पहली लिस्ट 195 उम्मीदवारों की है लोकसभा क्षेत्रों की, तो उसमें अगर आप देखें तो ओबीसी के 57 मतलब कि 57 कैंडिडेट हैं, और जब आप इसे प्रतिशत में बदलने जाएं तो एग्जैक्ट 29.2 मतलब 29.2% जो है ये आपको रेशियो जाता है, इतना परसेंटेज जो है वो पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार जो है इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं, जो कि आप कह सकती हैं कि बहुत अच्छा है, जो कि उनकी आबादी के अनुरूप जो अब हम बात करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो 34 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट जो है वो दिया गया है। महिलाओं की बात करें तो इसमें 28 महिला कैंडिडेट भी हैं, और SC 27 हैं, ST 18 हैं, और 47 जो है युवा उम्मीदवार हैं। तो इस बात की कोशिश की गई है कि हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हो और जिस रेशियो में होना चाहिए उस रेशियो में हो। तो एक आप कह सकती हैं कि पूरी सोची समझी रणनीति के तहत ये जो लिस्ट है उसे बाहर किया गया है। चाहे आप झारखंड की बात कर लीजिए, यूपी की बात कर लीजिए, बंगाल की बात कर लीजिए, तो जिस तरह से हर राज्य के बारे में आया है, तो एक जो बीजेपी ने लक्ष्य बनाया है कि 370 प्लस बीजेपी का अपना लक्ष्य है, और 400 से अधिक जो है वो जो है एनडीए के साथ बीजेपी ने एक उम्मीद लगा रखी है। हालांकि अभी बिहार सफल होते ये तो वक्त बताएगा, बिहार बाकी है, उस पर हम चर्चा करेंगे रंजन जी। लेकिन इस वक्त मदन भी हमारे साथ जुड़े हुए। मदन, सिंहभूम से गीता कोड़ा का अब बीजेपी में जाना और बीजेपी के द्वारा टिकट देना, ये भी महागठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि वो विनिंग सीट थी महागठबंधन की या कांग्रेस की। अब उस सीट पर एक नए कैंडिडेट को लाना और विनिंग कैंडिडेट से उसका मुकाबला करवाना, ये मुश्किल होगी। और साथ ही जिस तरह से जनाधार हजारीबाग में मनीष जायसवाल का है, वहां पर किसी कैंडिडेट को खड़ा करना
कितना मुश्किल होगा महागठबंधन के लिए और इसमें कितनी माथापच्ची करनी होगी ताकि सही कैंडिडेट मिले जो वहां पर टक्कर दे सके? बिल्कुल, देखिए गीता कोरा को जरूर इसी मकसद से बीजेपी में शामिल कराया गया कि जो चाईबासा की सीट है यानी कि पश्चिमी सिंहभूम की जो सीट है उसमें थोड़ी आसानी से जीत हासिल की जाए। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो उधर से भी दावेदारी जो है अभी भी ये बताई जा रही है कि जेएमएम के खाते में वहां के 6 विधानसभा में से 5 विधानसभा की सीटें हैं। अमूमन फिलहाल ऐसी स्थिति है, एक सीट पर जो है एक विधानसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हुए हैं। तो ऐसे में ये जरूर कहना है जेएमएम के नेताओं का कि गीता कोड़ा के बीजेपी में चले जाने से बहुत कुछ नहीं बदला है, लेकिन ये बात समझने की है कि हो समाज का एक जो बड़ा वर्ग है वो गीता कोड़ा के साथ है और गीता कोड़ा के बीजेपी में आने से बीजेपी जरूर वहां मजबूत हुई है। और अगर आप लोकसभा चुनाव की रणनीति को देखें तो बीजेपी में पहले उन सीटों को चुना जहां पर पिछली बार बीजेपी ने हार का सामना किया था, यानी कि झारखंड के वो 2 सीट जिस पर बीजेपी ने 2019 में हार का सामना किया, चाईबासा और राजमहल। सबसे पहले अमित शाह ने उन सीटों का दौरा शुरू किया जो बीजेपी के खाते में नहीं थे। पहला दौरा झारखंड में अगर आप देखें तो चाईबासा सीट से अमित शाह ने शुरू किया और वहीं और उसी मंच से अमित शाह ने ये जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को दिया था कि ये सीट कैसे जीतेंगे, इसकी जिम्मेदारी मुंडा जी को दिए जाते हैं। तभी से यह माना जा रहा था कि हो सकता है तो अर्जुन मुंडा को चाईबासा की सीट से यानी कि पश्चिमी सिंहभूम सीट से भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। लेकिन आखिरी वक्त में देखिए समीकरण कैसे बदलता है राजनीति में कि जिस तरह से जेएमएम के नेताओं की दावेदारी बार-बार लगातार सामने आ रहा था कि भाई यहां हमारी जो विधायक की संख्या है वो सबसे ज्यादा है तो दावेदारी भी इस सीट पर हमारी होनी चाहिए, और कांग्रेस के तरफ से गीता कोरा को कोई एश्योरेंस नहीं मिल रहा था कि ये सीट जो है हमारे ही खाते में रहेगा, तो जेएमएम के प्रेशर के बीच जो गीता कोरा की नाराजगी थे वो बढ़ते चले गए और पार्टी के नेताओं के द्वारा उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला। इस बीच गीता कोरा ने ये जरूर मीडिया सामने आकर के ये कहा था कि फिलहाल टिकट मिले या ना मिले हमारी नाराजगी कोई नहीं है, पार्टी से हम एक कांग्रेस के कार्यकर्ता बनकर रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए, ठीक देखिए कई पिछले कुछ दिनों पहले ही गीता कोरा जो है बीजेपी का दामन थामते हैं और आज के पहले सूची में ही एक तरह से कहें तो गीता कोरा का नाम जो है उसमें शामिल हो जाता है। तो ऐसे में ये माना जाए कि झारखंड की जो सबसे एक तरह से बीजेपी के लिए एक्सरसाइज करने वाला सीट था चाईबासा, वहां पर एक समीकरण बदलने की कोशिश हुई है, गीता कोरा को उम्मीदवार बनाने से एक मजबूत स्थिति में बीजेपी वहां पर सामने आई है। अब हो समाज का वोट जो है वो बीजेपी के खाते में प्लस होगा और जो बीजेपी के अपने कैडर वोट हैं वो दोनों मिलकर क्या चुनावी जो परिणाम है वो बीजेपी के पक्ष में लाते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये कोशिश जरूर की गई है कि जो बीजेपी के पास लक्ष्मण गिलुआ के मौत के बाद एक नेता की कमी थी उसको पूरा करने की कोशिश जो है गीता कोरा को शामिल कराने के कर जो है किया। अब मदन राजमहल सीट पर अगर बात करें फिलहाल तो वहां पर विजय हांसदा है, लेकिन फिर से ताला मरांडी पर